घर के दीवार के ऊपर अगर हम चढ़ जाएं दोस्तों तो अनबैलेंसिंग फील करने लग जाते हैं। मार्केट तो टॉप के लेवल 23,000 और 50,000 के लेवल पे हैं, तो वही आज के दिन अनबैलेंसिंग होता हुआ दिखा। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई जब मार्केट अनबैलेंसिंग नहीं बैलेंस होके वन फ्लो में चलता है तो मैं लाइव मार्केट में लेवल दे देता हूँ, जैसे उस दिन क्लियर कट दे दिया था 49,647 के ऊपर हमें बाय करना है बोल के। और लिटरली जैसे ही दोस्तों मार्केट ने ब्रेकआउट दिया वन फ्लो में 290 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंट दिया है, और सेंसेक्स का जो मैंने लेवल दिया था 1200 पॉइंट का मोमेंटम दिया दोस्तों। जैसे ही दिन का पहला कैंडल ब्रेक किया, निफ्टी कैंडल ब्रेक करते ही 315 पॉइंट का मोमेंट दिया है। तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। एंड कल के दिन मेरे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी में क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं। आप बोलोगे फिर निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल वीडियो कहां गया बोल के, मेरे भाई ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, आप मिस कर देते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पहले प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं। और कल के दिन तीन इंडेक्स में क्या होने वाला है यही देखने वाले हैं, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है, दो वीडियो आप सबके लिए एफर्ट देता हूं यार। तो ये वीडियो को ज्यादा नहीं 118 लाइक का मैं टारगेट देता हूं दोस्तों, और नंबर है डेफिनेटली ये टारगेट आप पूरा कर देंगे। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके बता दीजिए। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सेकंड वीडियो है, दो वीडियो डालता हूं, तो एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद डेफिनेटली जाके देखिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों बैंक निफ्टी का, तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल जाए सबसे बेस्ट एरिया रहेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा प्लान एक्टिवेट करने के लिए। एंड देन अगर 49,672 आपको ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा देन डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पुट के तरफ जा सकते हैं। इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं, रीजन क्या है। देखिए पीछे अगर आप आके देखेंगे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 49,672 परफेक्टली एक कहीं ना कहीं दोस्तों रेजिस्टेंस था, यहां से मार्केट गिरा था। यहां पे अगर आप देखोगे डॉट कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके दोस्तों यहां पे एक बार कहीं ना कहीं टेस्ट किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। आज के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों दोबारा टेस्ट किया एंड देन ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, एंड लास्ट में भी डॉट इसी सपोर्ट के आसपास आके मार्केट रुक गया था, एवरेज क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर आया था। तो कल बेस्ट प्लेस ये रहेगा क्योंकि अभी सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस था, लेकिन फ्राइडे के दिन से जब से ये ब्रेकआउट किया है ना, यहां पे अगर आप देखोगे एक बार यहां पे सपोर्ट लिया एंड देन यहां पे आज के दिन ही दो बार और आखिरी टाइम पे तीन बार, तो कल बस स्लाइटली गैप अप खोल के जैसे ही ब्रेकडाउन कर देगा तो डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं हम पुट के तरफ जाएंगे। ये क्लियर हो गया दोस्तों प्लान नंबर ए, ठीक है प्लान नंबर बी पे जाते हैं। लेकिन प्लान नंबर बी पे जाने से पहले एक एडवांस टिप मैं आपको दे देता हूं, अगर कल के दिन मार्केट स्लाइटली गैप डाउन वगैरह भी खुल के, ये प्लान नंबर ए पे ही इंक्लूड है ओके, अगर कल के दिन मार्केट स्लाइटली गैप अप नहीं खुला, स्लाइटली गैप डाउन वगैरह खुल के 49,474 आपको ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा, तब भी दोस्तों आप पुट के तरफ जा सकते हैं। इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं, पहला रीजन है ट्रेंड लाइन। एक बार दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार ये ट्रेंड लाइन टच किया ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, दूसरी बार टच किया ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, तीसरी बार टच किया ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, तो यार ट्रेंड लाइन आ रहा है ना मेरे भाई, तो ट्रेंड लाइन टूटेगा तो हम पुट बाय करेंगे। यहां पे रीजन खत्म हो गया नहीं, असली रीजन तो अभी भी बाकी है, और वो रीजन है कि 49,474 भी एक छोटू सा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है यानी कि एक सपोर्ट लेवल है। क्या ये भी रीजन है सेकेंड रीजन? नहीं, मेन रीजन ये है कि 49,500 जस्ट इसके 30 पॉइंट ऊपर है, और 49,500 का जो लेवल है मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन पे कितने पुट राइटर बैठे हैं, क्योंकि 49,500 एक राउंड नंबर है। तो तीन रीजन है कल के दिन प्लान ए एक्टिवेट करने के लिए, एक तो गैप अप खुल गया अच्छी बात है, टूटते ही पुट बाय करेंगे, अगर स्लाइटली गैप डाउन खुला तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे दोस्तों 49,474 टूटते हैं पुट बाय करेंगे, सेल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहला रीजन ट्रेंड लाइन टूटना, दूसरा रीजन सपोर्ट टूटना, और तीसरा रीजन है दोस्तों 49,500 का राउंड लेवल टूटना। ये क्लियर हो गया पूरे के पूरे?
प्लान बी की तरफ अब बढ़ते हैं। देखिए प्लान बी बढ़ने के लिए दोस्तों मैं चलिए सारे ड्राइंग ही रिमूव कर लेता हूं और थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं मैग्नेट को ऑन कर लेते हैं, अब असली खेल चालू होगा भाई, थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। देखिए आज के दिन ओवरऑल मार्केट ने डोमिनेट किसने किया, आंसर रहेगा सेलर ने, क्योंकि मार्केट खोलते ही पहला कैंडल तो डेफिनेटली मानता हूं 300 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंट दे दिया, लेकिन यहां से सडनली मार्केट ने डोमिनेट किया प्लान लाइक पॉइंट नंबर वन सेलर को जाता है। पॉइंट नंबर टू अगर आप देखोगे दोस्तों धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया था, जो कि बहुत मतलब थोड़ा दिक्कत आ रहा था बायर को आज के दिन, और आखिरी मोमेंट पे भी फिर से डोमिनेट कर दिया सेलर ने। तो ओवरऑल दोस्तों जो मार्केट है वो सेलर ने आज के दिन डोमिनेट किया है, यह आखिरी मोमेंट देख के पता चल जाता है और आज का दिन का मोमेंट देखें ही पता चल जाता है। और ऊपर के लेवल पे देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों डॉट यहां से कहीं ना कहीं फॉल हुआ है पहला रेजिस्टेंस और ये दोस्तों सेकंड रेजिस्टेंस। तो यहां पे हमारा व्यू ये क्लियर हो जाता है प्लान नंबर बी, कल अगर स्लाइटली गैप अप खुला और मीडियम गैप अप खुला और थोड़ा गैप अप खुला तो कोई बाइंग का व्यू कल नहीं रहने वाला। इसके पीछे सीधी सिंपल सी रीजन है कि भाई अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो चुका है तो कल हम सेलिंग के तरफ थोड़ा फोकस करेंगे। तो पहला प्लान है दोस्तों प्लान बी, कल अगर लिटिल गैप अप खुला थोड़ा गैप अप खुला तो पहला जो 5 मिनट का कैंडल बन जाएगा उसका आपको लो टूटने के बाद दोस्तों डेफिनेटली आप पुट बाय कर सकते हैं। थोड़ा ऐसे नहीं कि यहां पे ही खुल जाए, यहां पे खुल जाए तो भाई लो टूटने ही पुट बाय करेंगे ना, मैं तो बताया, मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा गैप अप इस एरिया में ना 50,000 के एरिया के आसपास अगर गैप अप खुला तो आपको कौन से प्लान दोस्तों एग्जीक्यूट करना है, तो पहला 5 मिनट का लो टूटने पुट बाय करना है, और अगर आपको कहीं ना कहीं एम पैटर्न दिखा तो डेफिनेटली पुट बाय करना है, अगर आपको लोअर लो दिखा तो पुट बाय करना है, अगर आपको कहीं ना कहीं गैप अप खोल के साइडवेज मोमेंट होके एक रेंज बना के रेंज इस टाइप का टूटता हुआ दिखा तो पुट बाय करना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा तो पुट बाय करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दो लेवल आप मार करके अभी के अभी रख लीजिए, पहला लेवल है 50,088, दूसरा लेवल है 50,235। कल अगर दोस्तों कहीं ना कहीं गैप अप अगर इस लेवल के आसपास खुला या फिर लिटिल मीडियम गैप अप खुल के, ये प्लान नंबर बी है ध्यान सुनिए, अगर लिटिल गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर गया और ये लेवल को टच किया 50,088 डॉट इस लेवल को टच करके यहां से कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बना दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका लो टूटने के बाद भी पुट बाय कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप खुला और 50,235 इस लेवल को टच किया उसका लो टूटा, डेफिनेटली पुट बाय कर सकते हैं। ध्यान रखिए क्योंकि सेलर डोमिनेट किए हैं, यहां से सडन डोमिनेट। तो सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों, कल अगर लाइक मीडियम गैप अप खुला प्लान पूरा रेडी है, कल फ्लैट खुला लो टूटा पुट बाय करेंगे, गैप डाउन खुला लेवल बता दिया पुट बाय करेंगे, मीडियम गैप अप खुला सारा पैटर्न डिस्क्राइब कर दिया पुट बाय करेंगे, या फिर दोस्तों अगर मीडियम गैप अप खुला और इस लेवल को टच किया मीडियम के बड़ा गैप अप खुल के तो भी सेल करेंगे, क्योंकि वही कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन हमें बता रहा है। ये क्लियर हो गया दोस्तों, अब चले जाते हैं प्लान नंबर सी पे। अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल गया तो क्या करेंगे दोस्तों, गैप डाउन वगैरह खुल गया तो नीचे देखिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है। तो अगर कल के दिन गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो मार्केट के पास और स्पेस नहीं रहेगा दोस्तों डाउन साइड की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कल अगर गैप डाउन खुला तो यहां पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है, तो सिंपल बात है कि डब्लू पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। कल अगर बड़ा गैप डाउन खुला डब्लू पैटर्न बनते ही डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, कल अगर बड़ा गैप डाउन खुला और हायर हाई बनते ही दोस्तों हम बाय कर सकते हैं, कल अगर गैप डाउन खुला एंड पहला 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा उसका हाई टूटने के बाद डेफिनेटली आप पुट के तरफ जा सकते हैं, कल अगर गैप डाउन खुला और रेंज बनाया और रेंज ब्रेकआउट करता हुआ दिखा तब भी आप कॉल के तरफ जा सकते हैं, सॉरी अगर मैंने पहले बार पुट कहा तो कॉल के तरफ जा सकते हैं, ठीक है। डब्लू पैटर्न या फिर हायर हाई जो भी आपको बुलिश पैटर्न दिखे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कॉल के तरफ जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया दोस्तों, 49,687 के आसपास क्लोज दिया है बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, तो ये हमारे कॉल राइटर या हमारे पुट राइटर एंड 49,000 यहां पे अगर हम देखेंगे 600 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों क्लियरली पता चल रहा है 49,600 के आसपास क्लोज दिया है, उसके ऊपर देखोगे ओनली 2 लाख, 49,800 पे ओनली 3 लाख कॉल राइटर, 49,900 पे ओनली 4 लाख, असली खेल 50,000 पे है राउंड नंबर। कल अगर आपको गैप अप खुल के 50,000 के आसपास दिखा तो सेल के बारे में ही सोचिए, 50,000 के लेवल पे
10,32,915 से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं, डबल डिजिट में नंबर हैं, सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 50,000 के लेवल पे हैं, 50,000 राउंड नंबर भी हैं एंड टेक्निकली रेजिस्टेंस भी हैं आपको जो मैंने अभी शो किया। सो 50,000 के ऊपर कल के दिन अगर जाता है तो ही शॉर्ट्स कवरिंग का उम्मीद आप कर सकते हैं, पर 50,000 के नीचे अगर कहीं ना कहीं मार्केट रहा तो डाउनफॉल का उम्मीद आप करेंगे। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्ततों, कुछ खास पुट राइटिंग नहीं नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आज के दिन थोड़े सेलर अच्छा खासा डोमिनेट करते हुए दिखे। नीचे ओनली 3,00,000, 2,00,000, 2,80,000 पुट राइटर हैं, तो मेरे भाई बहुत दिक्कत आने वाला है कल, क्योंकि 49,500 के लेवल पे भी, एक राउंड नंबर पे भी दोस्तों ओनली 2,72,000 पुट राइटर हैं। सो बिलो 49,500 कहीं ना कहीं पेन बढ़ने लगेगा और डाउनसाइड की तरफ। क्लियर हो गया दोस्तों, अब चले जाते हैं निफ्टी की बात। निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहला पॉइंट, अगर कल निफ्टी फ्लैट या फिर गैपअप खुल के साइडवेज होके 23,400 जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, कॉल के तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। इसके पीछे मैं आपको रीजन तो भाई क्लियरली पता चल रहा है, देखिए आज गैपअप खुल के न्यू लाइफ टाइम हाई फिर लगा दिया, बट 23,400 का लेवल अगर आप देखोगे, एक बार कहीं ना कहीं टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम, यहां से रिजेक्ट लिया और दूसरी बार भी इसी जोन पे आसपास आखिरी टाइम पे रिजेक्शन लिया है, तो क्लियर है डबल टॉप बना है। तो जब तक 23,400 ब्रेकआउट नहीं करता हम बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे, ये तो वीडियो क्लियर हो गया। प्लान नंबर ए, प्लान बी की तरफ जाते हैं। प्लान भी ये है दोस्तों, थोड़ा सा रिस्की है और थोड़ा लेट एंट्री आपको मिल सकता है, बट सिक्योर एंट्री मिल सकता है। मैं चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं, बिल्कुल अब भी बोल देता हूं कि कल के दिन जिन लोगों को दोस्तों आपको अगर रिस्क लेना है, क्योंकि आज निफ्टी में भी ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो सेलर डोमिनेट किए हैं, कल अगर लाइक मार्केट फ्लैट खुला, लिटिल गैप अप खुला, प्लान बी की बात कर रहा हूं, एंड 23,226 के नीचे आपको ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा, मैं ये क्लियरली बोल रहा हूं रिस्की प्लेयर के लिए, तो बिल्कुल पुट आप ले सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, मार्केट अगर आप देखोगे आज के दिन यहां पे बॉटम बनाया था ऊपर की तरफ गया, यहां पे फिर बॉटम बनाया ऊपर की तरफ गया, आखिरी टाइम पे डोमिनेट किया, तो एक बार दो बार इसी जोन पे सपोर्ट लिया और आज का डे का लो 23,226 है, वो ब्रेकडाउन किया, तो बिल्कुल पुट बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी टाइम पे सेलर ही डोमिनेट किए हैं, कल फ्लैट है फिर गैप अप खुला, तो सिक्योर प्लान ये रहने वाला है कि कल के दिन अगर मीडियम गैप डाउन वगैरह खोल के जैसे भी करके थोड़ा साइडवेज होके अगर 23,153 लेवल आपको ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा तो डेफिनेटली पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि पीछे जाके अगर हम देखेंगे तो 23,153 पर फेक्टली एक रेजिस्टेंस था। 4 जून की बात है, खुलते ही दोस्तों इतना बड़ा फॉल आया था निफ्टी में, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ 7 जून को, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट किया, सपोर्ट के जैसा काम लिया ऊपर की तरफ गया, दोबारा रिटेस्ट किया फिर ऊपर गया, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉपर एक सपोर्ट है। तो अगर कल के दिन 23,153 बिलो डेफिनेटली हम पुट की तरफ जाएंगे, बाकी तो प्लान सेम है दोस्तों, मीडियम गैप अप खुला, बड़ा गैप अप खुला, आपको पता है ना क्या करना है, जो मैंने बैंक निफ्टी में कहा सेम प्लान आपको यहां पे अप्लाई करना है, सेल सेल सेल, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस उसके ऊपर रेजिस्टेंस, तो क्लियरली पता चल गया दोस्तों अगर कल के दिन मार्केट लाइक मीडियम गैप या फिर थोड़ा बड़ा गैप खुल गया क्या करना है, और गैप डाउन वगैरह खुलना तो आपको पता है सब क्या करना है। 23,234 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, कॉल राइटर पुट राइटर, और यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों 23,234 के आसपास क्लोज दिया है, तो 23,250 से काउंट करने लग जाते हैं, 23,250 पे खास कॉल राइटिंग नहीं है, ओनली 1 लाख है, लेकिन ये क्या फिगर में देख रहा हूं, 23,300 पे अगर आप देखोगे दोस्तों 14 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर है, 14 लाख से ज्यादा, उसके ऊपर 23,350 पे 11 लाख, 23,400 के लेवल पे 20 लाख, तो आप क्लियर देखिए ये 3 लेवल ही कंप्लीटली कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं। कौन कौन से लेवल, 23,300 से लेके 23,400, 14 लाख, 11 लाख, 20 लाख, तो 23,400 अबव ही दोस्तों कहीं ना कहीं हम बाइंग की तरफ सोचेंगे, उससे पहले मत सोचिए। जब तक 20 लाख कॉल राइटर जहां पे उस लेवल के ऊपर नहीं जाता कॉल की तरफ मत सोचिए। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है, 23,200 ही कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पुट राइटर है 9 लाख, तो 23,200 बिलो पुट बाय करेंगे। क्लियर हो गया, अब चले जाते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा, तो कल के लिए सिंपल प्लान है, फ्लैट खुला
11,588 टूटा, पुट के तरफ जाएंगे। एक बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, दोबारा आज सपोर्ट लिया ऊपर गया, तीसरी बार आज ही सपोर्ट लिया ऊपर गया, तीन बार सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, 11,588 के नीचे पुट बाय करेंगे। क्लियर है प्लान? अगर मैं बी की बात करूं, फ्लैट खुला, ओके, कल के दिन इस प्लेस पे साइडेज हुआ, 11,713 टूटा, डेफिनेटली पुट कॉल की तरफ जाएंगे। कंप्लीटली डाउनसाइड मोमेंटम, आखिरी टाइम पे रिकवरी किया, थोड़ा सा ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, लास्ट स्विंग ये है, ब्रेकआउट किया, कॉल की तरफ जाएंगे। गैप अप या फिर गैप डाउन खुला, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। क्लियर है दोस्तों पूरे के पूरे? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को हमेशा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।